बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से भारत आई थीं और उनका कहना है कि एयरपोर्ट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई थी, लेकिन तब तक कोई कोविड-19 के लक्षण सामने नहीं आए थे। जिसके बाद कनिका ने लखनऊ में 2-3 बड़ी बड़ी पार्टियों में बतौर कलाकार हिस्सा लिया था। इन पार्टियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिसमें कई बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। ऐसे में अब कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से इन पार्टियों में शामिल सभी नेताओं और अफसरों में हड़कंप मच गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कनिका कपूर पर FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन अब उन नेताओं पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है जो किसी न किसी तरह से कनिका के संपर्क में आए थे, या फिर जो उन लोगों के संपर्क में आए जो कनिका के संपर्क में आए थे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन इस लिस्ट में शामिल हैं। कनिका कपूर ने 15 मार्च को पार्टी अटेंड की। उस पार्टी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह, कांग्रेस लीडर जितिन प्रसाद और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह शामिल हुए। जिसके बाद दुष्यंत सिंह राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल हुए, जिसमें राष्ट्रपति कोविंद के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूनियन कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी और सांसद और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल शामिल थी। इसके बाद दुष्यंत सिंह ने बजट सत्र में भी भाग लिया, जिसमें TMC सांसद डेरेक ओब्रायन, बीजेपी सांसद वरुण गांधी और कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, दुष्यंत सिंह संसदीय बैठक में भी शामिल हुए, जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, टूरिज्म मिनिस्ट्री से ऑफिशियल्स और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कनिका कपूर से मुलाकात के बाद कैबिनेट मीटिंग अटेंड की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत कई मंत्री मौजूद थे। ऐसे में अब ये सभी कोरोना के रडार पर हैं, लेकिन इससे आप लोगों को एक बात समझ आई होगी कि कोरोना वायरस दरअसल संक्रमण की एक चेन की तरह है। अगर आप में इसके लक्षण नजर आते हैं तो अपने आप को कम से कम 14 दिनों के लिए आइसोलेट करें। इससे आप इस चेन को तो तोड़ते ही हैं, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इससे बचाते हैं। पंजाब केसरी TV के लिए प्राची उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।